हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला, फेसबुक लाइव के साहित्य कला संवाद पृष्ठ पर आप सभी दर्शकों श्रोताओं का मेरा अदिति गुलेरी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला द्वारा रोजाना शाम 4 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक साहित्य कला संवाद अदिति जी की आवाज मुझे लगता है रुक गई है। जी अदिति जी, मुझे लगता है बीच में ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी वजह से लाइव कार्यक्रमों में भाषा संस्कृति विभाग अपना शिमला में बहुत अच्छा ये धुरी कार्यक्रम का है, काम परंतु टेक्निकल करता कारणों है। से। जी, जैसा कि अभी मैं बात कर रही थी कि फेसबुक लाइव के माध्यम से ये कार्यक्रम रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक प्रसारित होता है। सर्वविदित है कि बिना संवाद के हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। संवाद की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निहित होती है और कोई भी व्यक्ति जो है संवाद से कटकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। संवाद हमारे जीवन में धुरी का काम करते हैं। परिवार और समाज में रहते हुए मनुष्य इसी संवाद से, इसी आधारशिला से एक दूसरे से जुड़ता है। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला के इस को रख रहे हैं। अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह जी लॉकडाउन के इस समय में भी सभी को एक दूसरे से जोड़ने का श्रेष्ठ व सत् कर्म कर रहे हैं, इसके लिए वो बहुत 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 बधाई के पात्र हैं। अकादमी इस समय 50 से भी अधिक लाइव शोज जो है वो इस परिषद के माध्यम से लोगों के समक्ष रख चुकी है और ये हमारा भी सौभाग्य है कि आज हम सभी आपके समक्ष उपस्थित हैं। रोजाना हजारों लोग इस अकादमी के पेज से जुड़कर सभी जो श्रोतागण हैं वो हम लेखकों का, साहित्यकारों का, गीतकारों का हौसला अफजाई जो है वो बढ़ा रहे हैं। वो सब भी साथ में बधाई के पात्र हैं जो आप हमें अपना अनमोल समय जो है वो इन कार्यक्रमों में दे रहे हैं और हमारे इन कार्यक्रमों में आप हिस्सा बन रहे हैं, ये हम सभी के लिए बेहद खुशी की बात है। इसके साथ साथ तकनीकी सहायक श्री हतेंद्र शर्मा जी के भी हम आभारी हैं जो इस लाइव पेज पर रोज आने वाली समस्याओं को दूर कर रहे हैं और हमें एक दूसरे से मिला रहे हैं। एक बार पुनः अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह जी का व हितेंद्र शर्मा जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तो आज मैं अपने श्रोताओं, दर्शकों के साथ अपनी जो साहित्यिक संवाद लेकर आई हूँ वो साहित्यिक संवाद है हमारे युवाओं के साथ। और आज मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि मेरे साथ मेरे दो युवा साथी हैं जिनका परिचय आज मैं इस अकादमी के परिचय से करवाने जा रही हूँ। आशा है आप इनकी बात को सुनेंगे और साथ साथ हमें जो सुझाव हैं वो भी हम देंगे, तो हम तीनों जो हैं वो उस चीज को अपने सर माथे रखेंगे। तो इसलिए सर्वप्रथम आज जो हमारे प्रथम मुख्य अतिथि आज मैं बोलूंगी उन्हें शिवा पंचकन जी हैं। तो जैसा कि शिवा पंचकन जी को सर्वप्रथम मैं स्टेज के ऊपर हार्दिक स्वागत करती हूँ, फेसबुक लाइव के ऊपर सभी श्रोताओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है शिवा पंचकन जी। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी युवा साहित्यकार हमारे साथ जुड़ी हैं वो हैं अंजलि जम्वाल, ये बिलासपुर से हैं। इनका भी मैं इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से भी और सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंजलि जी आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले बातचीत करने से पहले मुझे लगता है कि जो हमारे अपने इस समय युवा साहित्यकार हैं तो
तो उनके बारे में थोड़ा सा परिचय जो है वो मैं देना चाहूंगी, ताकि सभी को पता चले ये कि ये दोनों युवा कौन हैं और कहाँ से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले मैं शिवा की बात करूंगी। शिवा जी, ये पंचकरण नाम से लिखते हैं, मूलतः खैरा पालमपुर से संबंध रखते हैं और आजकल ये वर्तमान में धर्मशाला में रहते हैं। और इनकी जब पढ़ाई की बात की जाए तो डीएवी कॉलेज कांगड़ा से इन्होंने रसायन विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इसके साथ साथ इतिहास के विषय में ये स्नातकोत्र के विद्यार्थी हैं और ये सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं। फिर और आगे बोलते हुए मैं कहना चाहूंगी कि आकाशवाणी धर्मशाला से और एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है गुंजन, वहां से अक्सर इनकी कविताएं हम जो है वो सुना करते हैं। तो शिवा पंचकान जी की जो कविताएं हैं वो छोटी बड़ी सभी साहित्यिक पत्रिकाओं में जो है वो अक्सर हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। तो इसी के साथ साथ मैं और भी इनके बारे में बताना चाहूंगी कि तीन काव्य संग्रह हैं, जिसमें साझा काव्य संग्रह, जिसमें इन्होंने भी अपनी कविताएं जो है वो वहां पर दर्ज करवाई हैं। तो इसके साथ साथ शिवाजी, आपको बहुत बहुत बधाई है और हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आगे मैं बात करना चाहूंगी अंजलि जम्वाल जी की। अंजलि जम्वाल जो थी, धर्मशाला जी के लिए कह रही हूँ कि पत्र पत्रिकाओं में इनका प्रकाशन कार्य जो है वो चलता रहता है। आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, गुंजन रेडियो के साथ भी ये जो युवा साहित्यकार हैं हमारे जुड़े हैं, तो इन युवाओं को आपके समक्ष यानी वरिष्ठ साहित्यकारों को भी हम सुनते रहे हैं, परंतु आज का जो ये संवाद जो अकादमी के माध्यम से हमें रखने का मौका आज अवसर मिला है, तो मुझे लगता है कि ये हम तीनों के लिए बहुत खुशी की बात है। और आज हम जो बात करेंगे तो हो सकता है कि उसमें से कुछ अच्छी बातें जो हैं वो निकल कर आए। तो इस तरीके से ये सबसे पहले हमारी बात है शिवाजी और अंजलि के परिचय से। आगे हम बात का बढ़ाते हैं और आगे बात करते चलते हैं कि साहित्य कला संवाद की अगली कड़ी में मैं अदिति गुलेरी धर्मशाला से आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अकादमी के इस साहित्य सांस्कृतिक पटल पर आप सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन पुनश्च एक बार फिर कर रही हूँ। आज के इस मंच पर जो हम बात करेंगे, मुझे लगता है कि हम उन औपचारिकताओं को भूल जाएंगे। हम बिना किसी औपचारिकता के एक दूसरे के साथ वैसे ही बात करेंगे जैसे हम साथियों के तौर पर बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है अपने युवा साहित्यकार शिवा पंचकंद जी से ये जरूर सुनना चाहूंगी, श्रोताओं को सुनवाना चाहूंगी कि उन्होंने अपने साहित्य कर्म की शुरुआत कब शुरू की, वो कौन सी कक्षा में थे जब उन्होंने लिखना शुरू किया। जी शिवा जी। जी, पहले तो सभी को प्रणाम। जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, जो लोग आज यहाँ पर वरिष्ठ कवि हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। उसके अलावा अकादमी का और जो लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु लगे हुए हैं, उन सबका भी मैं प्रणाम करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया। साथ ही साथ मैं अदिति गुलेरी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया और आज हमारे साथ बातचीत वो कर रही हैं। जैसा कि जो प्रश्न हुआ है, जो प्रश्न आया है, मैं बताना चाहूंगा कि लेखन का कुछ ऐसा कुछ बहुत स्टोरी है नहीं मेरी लिखने की, लेकिन हुआ ऐसा था कि 2000 शायद 13 या 14 की बात है, जहां पर जी हमारा क्वार्टर धर्मशाला में लिखता मैं थोड़ा बचपन से था, पर कभी उतना गौर से नहीं लिखा। वहां पर मैं रात को सोया हुआ था, मेरी और साथ में एक छोटी सी नदी जैसी वो बहती है, तो रात को मेरा पता नहीं क्यों मन किया कि मैं लिखूं, और मैंने रात को एक कविता लिखी और सुबह उठ के पढ़ी और मुझे लगा मैं अच्छा लिखता हूँ। उसके बाद जब गुड कॉलेज में, वहां पर जो मेरे हिंदी के प्रोफेसर थे मैम, उन्होंने बहुत सारी सहायता की लिखने में, बहुत सारी चीजें ठीक की। उसके अलावा जो अकादमी द्वारा एक कार्यक्रम किया जाता है कॉलेज के और स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, उस कार्यक्रम में पार्ट लेने का मौका मिला 2017 में, और वहां पर पहले ही कार्यक्रम में पहली बार मैं मंच पे पढ़ रहा था और पहली बार इनाम मिला, वो भी माननीय राज्यपाल जी से। तो मुझे लगता है स्टार्ट इतना अच्छा हुआ, तो वो धीरे धीरे वो चीजें जो हैं, और वो कहते हैं ना, वो रास्ते पर चलते गए और लोग ऐसे मिलते गए कि वो लिखने में रुचि भी बन गई और धीरे धीरे काम चल रहा है।
जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शिवा, जब आपने लिखना शुरू किया तो आप अपनी कविताएं जो थी वो सबसे पहले आप किसे सुनाते थे, अपने घर में या दोस्तों को सुनाते थे? जी दोस्तों को, खासकर कॉलेज में। और तब मैं थोड़ा श्रृंगार ज्यादा लिखता था, क्योंकि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो इस तरह की कविता जो है वो निकल के आती है और हमारे दोस्त बहुत चाव से सुनते हैं। खैर, अब जब मैं गुड। आ गया हूँ वो श्रृंगार निकलते ही नहीं है, मैं लिख ही नहीं पाता हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन कॉलेज में मैं इस प्रकार हास्य और जो ये श्रृंगार होता दोस्त है वो कॉलेज तक होता है ना, स्कूल कॉलेज तक होता है, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर आदमी पर जिम्मेवारियां समाज की ज्यादा हो जाती हैं, तब वो समाज के लिए जी ज्यादा सोचता है और लिखता है ना शिवा जी जी मैम जी। जी। बहुत बढ़िया। तो अंजलि जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे आपने लिखना शुरू किया, और कौन सी उम्र में, यानी कि कौन सी क्लास थी जब आपको लगा कि नहीं मैं कुछ लिख दूँ? सबसे पहले आप सभी को आदर प्रणाम। अदिति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से मंच पे आपने बोलने का मौका दिया इस कार्यक्रम के माध्यम से। और जहाँ तक लिखने की बात है तो लिखना तो थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन उससे पहले जब बचपन में मैं घर में भजन और इस तरह की जी, मुझे लग रहा है कि आवाज जो है वो सिग्नल ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा अंजलि जी। तो इसके साथ मैं शिवा जी से आगे हम बात करते चलेंगे, जब अंजलि जी हमारे साथ जुड़ेंगी तब हम उनसे फिर यही सवाल फिर से करेंगे, तब तक हम जी शिवा आपसे ही बात करते हैं। शिवा, आप जैसे कि हिमाचली गीत का भी मंच संचालन वहां पर कर रहे हैं, बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकारों को आप वहां सुन रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम आप वहां करवा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? जी सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ और जो अपनी आयु के साहित्यकार हैं उनके साथ भी बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि होता ये है अक्सर जब हम कवि सम्मेलनों में होते हैं या कहीं भी होते हैं, वहां पर ये ज्यादा पड़ी होती है कि अपनी कविताएं सुनाएं, लेकिन जब आपको बैठकर सुनने का मौका मिलता है, खासकर वरिष्ठ साहित्यकारों को, तो बहुत सारी चीजें आप समझते हैं, सीखते हैं। जैसे और फेसबुक के माध्यम से अभी लॉकडाउन के समय में, जैसे एक हमारे वरिष्ठ कवि प्रत्यूष गुलेरी जी हैं, उन्होंने मरोड़ा अपना फेसबुक चैनल, अपने फेसबुक आईडी पे वो चला रहे थे, तो मैं उसको सुनता था, तो बहुत सारे शब्द मैं चुपचाप वो डायरी पे लिख लेता था, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो हमें ध्यान नहीं है। तो जब वरिष्ठ जी साहित्यकार होते हैं वो नेचुरली है, हमारी बहुत सारी चीजें ठीक भी होती हैं और बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिलती हैं। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है और बहुत जल्दी मुझे लगता है मौका मिल गया। जी जी बहुत बढ़िया। इसके लिए हमें हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि जो हमें इस मंच के ऊपर जो है वो सभी को जो है वो अवसर दे रहे हैं। तो शिवा जी, आप को अपनी कोई पसंदीदा कविता जो है, जब तक अंजलि जी हमारे साथ जुड़ती हैं, एक कविता जो है वो आप हमें सुना दें, फिर आगे हम अपनी जी बात जो है वो जारी रखेंगे। जी एक जी शेर से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी वो लाइन स्वागत। थी, क्योंकि शुरुआत जो ही है, मैंने पहली बार मंच पर वो कविता पढ़ी, खैर वो कविता बहुत लंबी थी और मुझे ध्यान में नहीं है, पर उसकी वो जो चार लाइनें थी जिसके लिए मुझे बहुत तारीफ मिली थी और मुझे लगता है इनाम भी उस लाइन के लिए मिला था, उस लाइन से जी शुरुआत करना चाहूंगा कि मंदिर में गया हिंदू मिले, मंदिर में गया हिंदू मिले, मिले मस्जिद में मुसलमान, बैठ गुरुद्वारे में सिख मैंने देखे, बैठ गुरुद्वारे जी में सिख मैंने देखे, बताओ कहाँ गए इंसान। और इसी बात का उत्तर है कि बैठ मैं खाने में इंसान मिलता, बैठ मैं खाने में इंसान है मिलता, राम अली का ना वहां विवाद है, और एक प्याले में पीते हैं हाला, और एक प्याले में पीते हैं हाला, तुम ही कहो क्या बात है, तुम ही कहो क्या बात है। ये पंक्तियां थी कुछ, क्या और बात है, कविता जैसा हुई है तो मैं कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत बहुत करता हूँ। ये बढ़िया। कविता पहली बार शिमला में ही जी पढ़ी स्वागत। है तो मैं को जी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कि एक संबत नया प्रारंभ करें, एक नया सवेरा सृजन करें, एक संबत नया प्रारंभ करें, एक नया सवेरा सृजन करें, उठकर नया इतिहास रचें हम, उठकर नया इतिहास रचें, चलो भारत का गुणगान करें, भारत का गुणगान करें, एक संबत नया बहुत प्रारंभ बढ़िया, करें,
भारत का गुण गान करें, एक संबत नया प्रारंभ करें। इसका अंतर है कि चलो कुछ युग भूलें ईश्वर को, बस भारत का जय गान करें। चलो कुछ युग भूलें ईश्वर को, बस भारत का जय गान करें। जब तक भूखा सोए कोई भी तनिक ना विश्राम करें। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था जब देश हमारा आजाद नहीं था, कि जब तक कोई हो रहा है तब तक हमें विश्राम नहीं करना है। तो मैंने वही चीजें सुनकर ये चीज लिखी कि जब तक भूखा सोए कोई भी तनिक ना विश्राम करें। काल चक्र में हुआ हो जो भी, काल चक्र में हुआ हो जो भी, भेदभाव अब त्याग करें। एक सूत्र के मोती हम सब पुनः उस जीवन को याद करें। विस्मृत हुए जो गौरवमयी पल, विस्मृत हुए जो गौरवमयी पल, फिर उनको अब याद करें। भारत का गुणगान करें, एक संवत नया प्रारंभ करें। भारत का गुणगान करें, चलो भारत का गुणगान करें। अगली कुछ पंक्तियां हैं हमारे उस इतिहास के लिए, जिसे कहते हैं कि राणा की तलवारें अमर हो, राणा की तलवारें अमर हो, पुनः काली का आह्वान करें। खंडित हुए जो माँ के अंग अंग, फिर से वो आनंद करें। स्वर्णिम युग फिर से दोहराए, स्वर्णिम युग फिर से दोहराए, आओ मिलकर हाथ बढ़ाए। कब तक शांत रहोगे बैठे, आओ मिलकर जोर लगाए। तूफानों से जो लाए कश्ती, तूफानों से जो लाए कश्ती, उन वीरों पर मान करें। भारत का गुणगान करें, एक संबत नया प्रारंभ करें। भारत का गुणगान करें, एक संबत नया प्रारंभ करें। और आखिरी कुछ पंक्तियां हैं जो आज सबसे ज्यादा जिस विषय पर बातचीत हो रही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो कब तक आश्रित हो बैठोगे गैरों के कंधों पर, कब तक आश्रित हो बैठोगे गैरों के कंधों पर, विश्व विजय तुम भारत हो, ये कहकर चीखे काबुल। पूछ रहे हैं जलते घर ये, पूछ रहे हैं जलते घर ये, कब तक लाशें नोचेंगे ये, शौर्य पराक्रम गंगा जल सा, पापों का कब नाश करें। बहुत मिली माफी गोरी को, इस समय गोरी चाइना है, कि बहुत मिली माफी गौरी को, कब तक यूं आघात सहे। भारत का गुणगान करें, एक संबत नया प्रारंभ करें। बहुत भारत का बढ़िया, करें, एक संबत नया प्रारंभ करें। एक संबत नया प्रारंभ करें, एक नया सवेरा सृजन करें। धन्यवाद। ये कुछ पंक्तियां बहुत थी। बहुत बहुत बढ़िया शिवाजी, आपने इतनी सुंदर कविता जो है वो सुनाई है। मुझे लग रहा है मुझे भी जितना आनंद आ रहा है, तो श्रोता भी हमारे उतने खुश हो रहे होंगे, सुन रहे होंगे आपको। तो यहाँ पर जो स्क्रीन है उस पर सभी के कमेंट्स जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, तो जो भी हमारे श्रोता दर्शक जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी हमें अपना अनमोल समय जो है वो इस समय दे रहे हैं, और शिवा जी का भी हौसला अफजाई जो है वो आप उनकी बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो अंजलि जी हमारे साथ जुड़ी हैं वो शायद थोड़ी नेट की प्रॉब्लम होगी, वो नहीं अभी तक आ पा रही, तो जब वो आएंगी तो हम उनके साथ भी बात करेंगे। तब तक शिवाजी आपके साथ बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आज के युवा जो है वो साहित्य से कितना जुड़े हैं? जी, साहित्य से जुड़ाव, जैसे अगर हम इसमें दो पक्षों को मुझे लगता है देखना पड़ेगा। आज जी अगर आप यूट्यूब और सोशल मीडिया के इस दौर में अगर आप चीजें देखें, तो बहुत तो साहित्य को यानी कि कविताओं को खासकर सुन रहे हैं और बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आज जी डिजिटल युग में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले किताबें पढ़ते थे, आज यूट्यूब पे हम ज्यादा यूट्यूब के तहखानों में ढूंढते रहते हैं कविताएं। तो युवा जी साहित्य से जुड़ा हो, परंतु जैसा कि मैं मानता हूं कि जैसे 10वीं तक मैंने हिंदी पढ़ी है, तब तक यस मैंने यस
बाद उसके पश्चात साइंस के बैकग्राउंड होने के कारण मैं हिंदी से उतना जुड़ नहीं रह पाया, परंतु थोड़ा थोड़ा मैं लिखता रहा और मुझे लगता है रास्ता मुझे और उसमें लोग अच्छे मिलते रहे तो शायद मैं जुड़ा रहा। परंतु होता क्या है कि जैसे जब कुमार विश्वास की कविता, जिससे मुझे लगता है बहुत सारे युवा साहित्यकारों ने लिखना शुरू किया, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, वो कविता बिल्कुल, बहुत वो ज्यादा, कविता मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी जिस समय मैंने उसे सुना है अपने कॉलेज टाइम जी में। तो सच में जी ऐसी ऐसी अगर कविताएं जो है वो लिखी जाएं तो क्यों ना श्रोता आए, श्रोता जरूर आते हैं, जरूर सुनते हैं और आगे भी जी बढ़ाते हैं, वो हिम्मत देते तो हैं। ये जो कविताएं, इस प्रकार की जो कविताएं हैं, आज अगर हम राष्ट्रीय स्तर के जितने भी कवियों की बात करें, चाहे राहत इंदौरी साहब हों या कोई भी हों, तो लोग खासकर जी युवा वर्ग सुनता है। परंतु जो रुचि होनी चाहिए, क्योंकि एक सुनना होता है कि हम सुन रहे हैं और एक होता है कि हम रुचि के साथ सुन रहे हैं, हमें और जानने की जो इच्छा हो रही है, तो उसमें मुझे लगता बिल्कुल है कि कहीं हम लोग असफल हो रहे हैं। वो रुचि जो है अभी तक वो युवा में, क्योंकि जो लिखने वाला व्यक्ति है वो तो सुनेगा, परंतु एक दर्शक, एक श्रोता के रूप में भी हमें लोग जो है वो चाहिए, तो वहां पर हम जी, कहीं ना कहीं असफल है, मुझे ऐसा लगता है। तो लेकिन हाँ ये है कि जी जो है अपनी जड़ों से कटे नहीं है, वो जुड़े जरूर हैं, चाहे वो आप ये समझ लीजिए कि प्रेम के समय कविताएं सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर, कविताएं उनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, वो कोई बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सही बोल रहे हैं आप। अंजलि जी हमारे साथ जुड़ गई है, तो फिर से अंजलि जी आपका हार्दिक स्वागत है। तब तक हम शिवाजी से बातें कर रहे थे, शिवाजी को सुन रहे थे और श्रोताओं को भी सुना रहे थे। तो अंजलि जी अब आप हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो जहां पर हमने बात शुरू की थी, तो आपसे फिर वही बात पर मैं आना चाहूंगी कि आपने सबसे पहले कब लिखना शुरू किया, कैसे लिखना शुरू किया। अगर लिखने की बात करें तो मैं परिवार से शुरू करती हूँ। परिवार में भजन कीर्तन का माहौल बचपन से देखती हूँ, तो जो गीत सब लोग गाते थे उसको कहीं ना कहीं मैं अपनी तरीके से गुनगुनाना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे बहुत लगता है कि बढ़िया, जो ललक थी वो वहीं से ही शुरू हुई, क्योंकि साहित्यिक माहौल परिवार का नहीं था, तो ये तो पता नहीं था कि जी कविताएं भी लिखी जा सकती हैं, ये सब से ये सब चीजें, जो भी इस तरह की चीजें थी वो गुनगुनाया करती थी। और जो कॉलेज में जब गई तो कॉलेज के समय यानी मेरे साहित्य थोड़ा का मतलब ये है कि भजन से आपका साक्षात जो है वो पहले हुआ। जी, उसके बाद कॉलेज में जब गई तो थोड़ी बहुत कविताएं लिखनी शुरू करी। और सबसे ज्यादा जो असर पड़ा वो मास्टर्स में जाके मैंने लिखना जो है पूरी तरह से प्रारंभ किया। जी बहुत बढ़िया। तो घर में आप किसको सुनाते हो कविताएं, या अपने दोस्तों सहेलियों को सुनाते हो जब आप लिखते हो? जी जब शुरुआती दौर में जब मैं लिख रही थी तो मैं अपने दोस्तों को और हमारे एक दो प्रोफेसर्स थे जो बहुत इन चीजों में हमें प्रेरणा देते थे, बढ़ावा देते थे, उनको मैं अपनी कविताएं सुनाती थी। अच्छा, तो जो प्रोफेसर थे वो आपको यानी कि प्रेरणा के साथ साथ आपको हिम्मत भी देते थे कि नहीं, बहुत बढ़िया लिख रहे हो कि नहीं? जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल, ठीक, जितनी बढ़िया, अच्छी वही कविता है थी जी। उनसे कम नहीं। तो अंजलि जी, इसके साथ साथ आपने अपने घर में अपने मम्मी या पापा को भी कभी कविताएं सुनाई हैं आपने? कभी कभी जो मंच पे बोलने का मौका मिला तो उसकी कुछ हाँ, रिकॉर्डिंग्स मेरे पास होती हैं और यूट्यूब पे भी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो मैं सुना देती हूँ बहुत घर पे। बहुत बढ़िया। श्रोताओं के साथ में एक बात और साझा करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शिवा पंचकर्ण जो है वो हिमाचली गीत के जो है वो हमारे एंकर भी हैं, संचालक भी हैं, ये वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है वो करवा रहे हैं और सभी साहित्यकारों का वहां पर रोज कोई ना कोई जो है वो परिचय जो है वहां पर आ रहा होता है, और उनकी कविताएं भी हम लोग जो है वो दिल से सुनते हैं। और वैसा ही कार्य जो है वो हमारी ये युवा साहित्यकार अंजलि जी भी कर रही हैं। ये हिमाचली डायरी की सह संस्थापक भी हैं और संचालक भी हैं, तो ये भी कार्यक्रम 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है वो लाइव प्रोग्राम्स जो है वो करवा रही हैं आजकल। तो इस तरीके के हमें बहुत खुशी होती है कि जब हमारे हमें लगता है कि युवा जो है वो साहित्य के लिए सोच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। तो आप दोनों का मैं बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद भी करती हूँ कि आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म, मंच जो है वो सभी को प्रदान कर रहे हो। जी, तो
तो अंजलि जी, आपको क्या लगता है कि आज के युवा साहित्य से कितना जुड़े हैं? युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा, अगर मैं यूं कहूं कि पूरी तरह साहित्य से दूर, तो गलत होगा, क्योंकि अधिकतर संख्या में युवा, अगर उतनी ही संख्या में युवा साहित्य से जुड़े भी हैं। और अगर दूर होने की बात की जाए तो कमी जो मुझे लगती है वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार की तरफ से लग जाती है, क्योंकि आमतौर पे अगर माता पिता का जो रुझान देखने को मिलता है वो कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उनका बेटा या बेटी कवि बने या लेखक बने, सब यही चाहता है कि डॉक्टर इंजीनियर बने, आईएएस बने, ये सब चीजें तो जो भी है अन्य जो क्षेत्र है उसमें जाए, लेकिन कोई नहीं चाहता कि कवि या लेखक बने। तो मुझे ये कमी लगती है कि जो परिवार है उनकी तरफ बच्चों को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। अंजलि जी, बहुत सही बोल रहे हो आप। कम रहता है, यानी कि आपके कहने का अभिप्राय ये है कि मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं उनका ये होता है कि बच्चा जो है वो जो पाठ्यक्रम की पढ़ाई है वो करे, सिलेबस की करे, वो बाकी चीजों की तरफ जो है वो ध्यान ना दे। जैसे मान लो हमारी स्पोर्ट्स अकेडमीज होती हैं, डांस अकेडमीज होती हैं, तो वहां पर तो हम बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन हम जब लिटरेरी बात आती है तो हम अपने बच्चों को जो है वहां पर नहीं भेजते। तो हमारे साथ इस समय मुझे स्क्रीन पर शो हो रहे हैं डॉक्टर प्रत्यूष फुलेरी जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, और वो भी युवाओं को जो है वो प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसके साथ साथ एडी अनूप डोगरा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप डोगरा जी का भी मैं आप दोनों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ कि वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद सर। इसके साथ साथ अर्पण जम्वाल जी भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो अंजलि जी और सोनू अवस्थी जी भी हमें अक्सर जितने लाइव प्रोग्राम्स होते हैं ये सुनते हैं और वहां पर प्रतिक्रिया जो है वो भी देते हैं। उत्तम सूर्यवंशी जी, आपका भी चंबा से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़ रहे हैं और हमारी बातों को जो है वो सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर करम सिंह जी, सेक्रेटरी अकेडमी, हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, ये कार्यक्रम ही उनका है, तो उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज हमें जो है वो अपनी बात रखने का ये अवसर दिया है और हम जो है वो अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। तो अंजलि जी, सबसे पहले मैं आपसे एक कविता जो है वो जरूर सुनना चाहूंगी और सभी को सुनाना भी चाहूंगी। स्वागत। ये जो कविता है ये कविता शुरू करती हूँ जी, स्वागत। हम दोनों ने मिलकर लिखी एक कविता, हम दोनों ने मिलकर लिखी एक कविता, मैंने कहा कविता में न श्रृंगार है रस है, मैंने कहा कविता में न श्रृंगार है रस है, कविता में बस दुख ही दुख है। उसने कहा कविता में स्त्री है ना, कविता में स्त्री है ना, फिर कविता पूरी है। छोटी सी कविता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब शिवा जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि हमें युवाओं को किस तरीके से जो है वो साहित्य से जोड़ना चाहिए? जो युवा हमसे दूर हैं, हमें क्या ऐसे कार्य करने चाहिए कि वो युवा जो है वो हमारे साथ जुड़े? जी, मुझे लगता है एक तरीका तो ये है कि एक तो वैसे युवा जुड़े हुए हैं, ऐसा हम मतलब कह नहीं सकते कि नहीं जुड़े हैं, चाहे अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, चाहे प्रेमिका को सुनाने के लिए ही कविता चाहिए, शायरी चाहिए, ले लेते हैं, वो जुड़े जरूर हैं, परंतु कहते हैं कि उनमें रुचि जाके, उसके लिए हमें जैसे मुझे लगता है कि हमें केवल कवि और शक्तिगणों के बीच सीमित न रहकर इन चीजों को हमें आम लोगों के बीच के जाना पड़ेगा। जब हम अपने परिवार के साथ बैठे हैं, अपने मित्रों के साथ बैठे हैं, तब साहित्य पर चर्चा होनी चाहिए। अगर मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर वहां पर उन्हें कोई गूढ़ सी कविता सुना दे तो वो सच में भाग जाएंगे, हमें धीरे से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अगर मैंने जब शुरुआत की, मुझे आकर कोई बहुत जबरदस्ती बड़े बड़े शब्दों के साथ कविता सुनाता तो शायद मैं ना बात समझ पाता और ना मुझे वो मैं जुड़ पाता। तो मुझे धीरे धीरे चीजें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुमार विश्वास जी की जब कविता आई कोई दीवाना कहता है, और मैंने जब मेरे एक नृत्य ने लाइव परफॉर्मेंस दी, मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने आज तक सुनी नहीं है। तो मुझे लगता है लाइव मंचों के
माध्यम से जिस प्रकार आज संगीत को लाइव मंच पर किया जाता है, वैसे कवि कवि सम्मेलन भी हमें इस प्रकार लोगों के बीच करवाना चाहिए, चाहे वो छोटे स्तर पे हो चाहे वो बड़े स्तर पर हो। तो मुझे लगता है इससे युवा भी और बाकी लोग भी जुड़ेंगे और हमें आगे के लिए मतलब मुझे लगता है चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये अकादमी का सराहनीय प्रयास है कि अकादमी ने लॉकडाउन के समय में हमें जो है वो सभी के सामने जो है वो इस समय जो है वो लाकर रख दिया है कि भाई ये ऐसा नहीं है कि हिमाचल में साहित्य नहीं लिखा जा रहा, युवा कार्य नहीं कर रहे, वरिष्ठ कार्य नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है कि 50 कार्यक्रम अगर अकेडमी के जो है वो बढ़िया गए हैं तो इसका मतलब ये है कि सच में कि अभी भी बहुत सारे लेखक बहुत सारे साहित्यकार जो है वो अभी यानी सभी को जो है वो यहाँ पर मौका जो है वो टर्न बाई टर्न दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको जरूर उसका उत्साह वर्धन करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि नहीं भाई हमें नहीं बुलाया तो ऐसा है, तो ये चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है हर यानी एक समय आता है धीरे धीरे सभी को जो है वो उस मंच पर आदमी जो है वो पहुंच जाता है, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और दूसरा शिवाजी आपकी बात से मैं और भी बात साझा करना चाहूंगी कि जैसे आप बोल रहे थे ना कि कविता कैसी होनी चाहिए, कविता उबाऊ नहीं होनी चाहिए, तो मैं जैसे उस दिन भी नवनीत शर्मा भाई साहब का सुन रही थी, यहाँ पर संवाद सुन रही थी 7 बजे के कार्यक्रम में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि बार बार अगर हमें शब्द कोश खोल कर देखना पड़े उस कविता को पढ़ने के लिए तो वो कविता जो है उसका रस जो है वो खत्म हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग जो है वो अपने काव्य लेखन में करें, तो जितना आसानी और जितने अच्छे अच्छे शब्दों में हम उस बात को जो हमारी आम बोलचाल की बात है उसी बात में हम अगर अपने शब्दों को रखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और जैसे अखबार की भाषा होती है ना जी, उसमें आप जो कम पढ़ा है वो भी समझ जाता है, जो बहुत पढ़ा है वो भी समझ जाता है, तो कविता भी हमारी वैसी होनी चाहिए। जी शिवाजी बोलिए। जी आपने बिल्कुल बात सही कही, क्योंकि मैंने ये चीज खुद नोटिस की है कि जब हमें चीज आसानी से समझ आती है तो हम उसके बारे में खुद और जानकारी जो है वो एकत्रित करते हैं। जैसे मैंने जब पहली कविता लिखी होगी तो मेरे पास जो 4 शब्द थे मैंने उनसे वो कविता लिख दी, लेकिन आज मैं खुद शब्द कोश लेके बैठता हूँ और ढूंढता हूँ कोई नया अच्छा शब्द मिले, कोई नई अच्छी चीज मैं उतारू, तो मुझे लगता है वो धीरे धीरे हम आगे वो पहुंच जाते हैं। नर्सरी के बच्चे को PhD की चीजें पकड़ा देंगे तो मुझे लगता है मुश्किल तो इस चीज से हमें बचना चाहिए, और लोगों के अनुसार मुझे लगता है समय और परिस्थिति के अनुसार जो है वो कविता सुनानी चाहिए, उससे हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हमारे साथ सोनिया दत्त पकरोलवी जी भी जुड़ी हैं, प्रतिभा शर्मा जी भी जुड़ी हैं, और प्रतिभा शर्मा जी का अनुरोध है कि मैं भी अपनी कविता सुनाऊं, तो मैं जरूर कविता सुनाऊंगी, पर पहले जरा मैं युवा साहित्यकारों से सुन ले हम, उसके बाद मैं जाने से पहले जरूर आपको 2 कविताएं अपनी सुनाकर जाऊंगी। तो आगे हम बात करते हैं अंजलि जी आपसे, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज के युवा जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर के जो कवि हैं लेखक हैं उनकी रचनाओं को जानते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन क्या इसी संदर्भ में अगर बात की जाए तो जो हमारे युवा हैं वो क्या हिमाचली साहित्यकारों को जानते हैं उनको पढ़ते हैं? ये सवाल आप दोनों से मेरा ये रहेगा, पहले अंजलि जी के बारे में अपने विचार रखें और तत्पश्चात शिवाजी। जी अंजलि जी, जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर की बात है तो ज्यादातर युवा उनको जानते हैं, और दूसरी बात अगर मैं हिमाचल के साहित्यकारों की तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ हो सकता है कि कुछ युवाओं का रुझान जिनका साहित्य की तरफ नहीं है वो उन्हें ना जानते हो, लेकिन जो युवा है अपनी तरफ से अपनी कोशिश करते हैं कि वो उनके बारे में जाने, और बाकी पढ़ने वाले जो है वो उन्हें पढ़ रहे हैं अपनी रुचि के अनुसार, क्योंकि किसी को कविता पसंद है, किसी को उपन्यास पसंद है, किसी को कहानी पसंद है, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार वो उन्हें पढ़ रहे हैं। अगर जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हिमाचली डायरी के माध्यम से हमारा यही छोटा सा प्रयास है कि हिमाचली जिन्हें सब लोग जानते हैं और जिनकी पहचान भी बन नहीं पाई है, जो लिख बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन वो लोगों के सामने नहीं आ पाए हैं, उनको लाने का भी एक छोटा सा प्रयास हमारे माध्यम से किया जा रहा है। जी शिवाजी साहित्यकारों से
जी मुझे लगता है जैसे जो हमारे राष्ट्रीय के जितने भी साहित्यकार कवि हैं, लोग उनको सुनते हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं साहित्य से वो भी सुनते हैं। इसमें मैं एक उदाहरण चाहूंगा। कुछ समय पहले कार्यक्रम में जब डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी मेरे साथ थे और मैंने घर पे ऐसे ही बातचीत कर रहा था, तो बात जी निकल कर आई चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी पे। तो दादाजी मेरे वो कहते हैं कि मैं इनके बारे में जानता हूँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। पिताजी कहते हैं मैंने भी इनकी कविताएं पढ़ी हैं और मैं भी इनके बारे में जी जानता हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य जी हुआ, मुझे थोड़ा कि मैं जानता हूँ आप इनके बारे में, आपने तो पढ़ा ही नहीं है। तो जब मुझे ये बात बहुत ज्यादा मतलब हैरानी हुई कि मैंने 10वीं तक हिंदी तो मैंने भी यानी पढ़ी है ना, कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने साहित्यकारों को पढ़ा है हिमाचल के, लेकिन हम लोगों ने जो है वो नहीं पढ़ा है। जी और मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मैंने जब कविताएं लिखना प्रारंभ किया उसके पश्चात ही मैंने इन्हें पढ़ा, लेकिन उससे पहले मैं नहीं जानता था। तो मुझे बहुत हैरानी होती है ऐसा, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जो होगा वही हम पढ़ेंगे। वहां पर बिल्कुल सूर्य का निराला जी होंगे तो हम जानेंगे कि वो हैं। अगर वो वहां पर होंगे ही नहीं तो जो साहित्य से व्यक्ति जुड़ा ही नहीं वो नहीं जानता है। तो मुझे लगता है हिमाचल में हिमाचल के जो हिंदी किताबें हैं खासकर 10वीं तक की, उनमें अगर हाँ हिमाचल के जी जो हमारे साहित्यकार हुए, चाहे पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम जी हों, निर्मल वर्मा जी हों या कोई भी हों, उन सबकी अगर एक एक दो दो कविताएं होंगी तो मुझे लगता है ये प्रश्न रहेगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने जी कम से कम कविता तो उनकी पढ़ी या सुनी होगी और शायद याद भी हो, मुझे ऐसा जी लगता। ये हमारे इस कार्यक्रम को जितने भी हमारे श्रोता हैं उसमें हमारे एकेडमी मेंबर्स भी हैं, सेक्रेटरी सर भी हैं, तो सभी ये बात जो है वो जरूर जो है वो आगे तक लेकर जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो इसके साथ साथ मैं अब प्रतिभा जी का अनुरोध आ रहा है मेरी कविता के लिए, तो मैं चाहूंगी कि मैं अपनी एक कविता जो है वो श्रोताओं को भी सुना दूं, आपको भी, फिर साथ साथ हम बात करते चलेंगे। तो कविता है जिसे स्वागत। मैंने नाम दिया है डोर प्रेम की। डोर प्रेम की ढीली छोड़ो मेरे हमदम मेरे प्रियतम। डोर प्रेम की ढीली छोड़ो मेरे हमदम मेरे प्रियतम। ढीली जो तुम छोड़ोगे, ढीली जो तुम छोड़ोगे, उड़ती जाऊंगी आकाश पिया। डोर प्रेम की ढीली छोड़ो मेरे हमदम मेरे प्रियतम। ढीली जो तुम छोड़ोगे, उड़ती जाऊंगी आकाश पिया। डोर प्रेम की तुम जो जोर से खींचो, डोर प्रेम की तुम जो जोर से खींचो, कट जाएगी खिंच जाएगी ये तुम्हारी प्रिया। भूले से जो भूलो वो प्यार प्रिय, भूले से जो भूलो वो प्यार प्रिय, हम भी भूलें फिर वो दुलार प्रिय। तुम जो खेलो हमसे कभी खेल प्रिय, तुम जो खेलो कभी हमसे खेल प्रिय, हम भी बन जाएं फिर खिलाड़ी प्रिय। क्या तुम बात जो भोले बन जाओ प्रिय, तुम जो भोले बन जाओ प्रिय, हम भी फिर अनाड़ी बन जाएं पिया, हम भी अनाड़ी बन जाएं पिया। प्रेम हमारा सत्य शिव सुंदर है, प्रेम हमारा सत्य शिव सुंदर है, प्रेम हमारा मन के अंदर है, प्रेम हमारा मन के अंदर है। डोर प्रेम की ढीली छोड़ो मेरे हमदम मेरे प्रियतम। ढीली जो तुम छोड़ोगे, उड़ती जाऊंगी आकाश पिया। धन्यवाद शिवाजी। बहुत तो सुंदर। आगे हम अपनी बात साथ साथ रखते जा रहे हैं। आपके पसंदीदा हिमाचली साहित्यकार कौन कौन से हैं जिनको आपने सुना है पढ़ा है? जी इसमें एक नाम तो शिवाजी मैं एक ले चुका हूँ, जी चंद्रधर शर्मा जी का, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जाने जी माने और बड़े साहित्यकार जिनका केवल यही नहीं है, पूरे भारत में और जहाँ भी हिंदी साहित्य जहाँ तक इसकी पहुँच है वहाँ तक उनका नाम है। इसके जी अलावा हमारी आजादी में एक बहुत बड़ी भूमिका हिमाचल की ओर से निभाने वाले पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी, उनकी जी कविताएं का और पढ़ना पसंद करता हूँ। उसके साथ निर्मल वर्मा जी की कविताएं भी मैं पढ़ता हूँ, और उनके द्वारा जो साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया है वो मैंने जी यत्न करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि चीजों से हम भी कुछ सीखें और दो चार चीजें हमारी लेखनी में भी वो उतर के आए। जी जी कविता, एक कविता आपसे सुनना चाहेंगे शिवाजी, अपनी कोई पसंदीदा कविता जो है वो हमें सुनाए। स्वागत। जी एक मेरी कविता है जिसका शीर्षक वो काश नहीं भूलता हूँ।
बहुत समय पहले लिखी थी और ये दिमाग में ये सोच के लिखी थी कि कभी मेरे पांव जो है वो आसमान में अगर पहुंचे तो कविता पढ़ के मैं वापस जमीन पे आ जाऊं। तो भाई मैंने सोच लिखकर ये कविता लिखी है कि औकात नहीं भूलता हूँ, औकात नहीं भूलता हूँ क्योंकि अक्सर परिंदों की तरह उड़ते इंसानों को गिरते हुए देखा है। औकात नहीं भूलता हूँ मैं क्योंकि इंसानों को गिरते देखा है, हाथ से सब कुछ मिट्टी की तरह फिसलते हुए देखा है। औकात नहीं भूलता हूँ मैं क्योंकि अक्सर परिंदों की तरह उड़ते इंसानों को गिरते हुए, उठते हुए लोगों को भी सर झुकाते हुए देखा है। ये पंक्तियां स्पेशली मैंने अपने लिए लिखी थी क्योंकि शायद लंबा हूँ, इसीलिए मुझे ये चीज मैं इससे रिलेट कर पाया कि उठते हुए लोगों को भी सर झुकते हुए देखा है और कितना भी लंबा हो इंसान छोटे दरवाजों से झुककर निकलते हुए देखा है। औकात नहीं भूलता हूँ मैं क्योंकि अक्सर परिंदों की तरह उड़ते इंसानों को गिरते हुए देखा है। महफिलों में तनहा तो कहीं तन्हाइयों में महफिल को देखा है, महफिलों में तनहा तो कहीं तन्हाइयों में महफिल को देखा है और अक्सर आसमान की ऊंचाई छूने वाले को सबसे ऊपर बैठ अकेले रोते हुए देखा है। औकात नहीं भूलता हूँ मैं क्योंकि अक्सर परिंदों की तरह उड़ते इंसानों को गिरते हुए देखा है, से सब कुछ मिट्टी की तरह फिसलते हुए देखा है। औकात नहीं भूलता हूँ मैं क्योंकि अक्सर परिंदों की तरह उड़ते इंसानों को गिरते हुए देखा है। छीन कर तो कहीं मार कर, कहते हैं दुनिया का दस्तूर है कि जो सबसे सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही टिकेगा। छीन कर तो कहीं मार ताकत के नशे में धुत होते हुए देखा है और कितनी भी ताकत आ जाए हाथ में ताकतवर का भी शिकार होते हुए देखा है। वो काट नहीं पूरा होने क्योंकि अक्सर परिंदों की कहा होते इंसानों को डरते हुए आकृति कुछ पंक्तियां हैं कि कमजोर को डराते हुए ताकतवर को देखा के कमजोर को डराते हुए ताकतवर को हंसते हुए देखा है, आग को बुझते हुए भी देखा है, तो कहीं चिंगारी को आग पे भी देखा है। औकात नहीं भूलता हूँ मैं क्योंकि अक्सर परिंदों की तरह उड़ते इंसानों को गिरते हुए देखा है, हाथ से सब कुछ मिट्टी की तरह फिसलते हुए देखा है। औकात नहीं भूलता क्योंकि अक्सर परिंदों की बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी। अभी हमारे साथ डॉक्टर करम सिंह जी अकादमी सचिव भी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। नमस्कार सर। तो सर आपको मुझे लगता है कि आशा है कि कार्यक्रम अच्छा जा रहा है हमारा। जी। तो आगे मैं अपनी वार्ता को चलायमान रखते हुए अंजलि जी, आज आपने दोनों ही नए लोगों को जोड़ा है। जी सर, कोशिश ये है कि हर रोज नए नए लोग इसमें कार्यक्रम में जुड़े और नए नए विषय पे आप लोगों की बातचीत हो और दर्शक आपके साथ नए नए जुड़ते जा रहे हैं हर रोज जी। मेरे के लिए थोड़ा दो की बजाय तीन या चार लोग हों तो एक आध का अगर सिग्नल कम भी रहे कोई नहीं जी भी रहे तो फिर भी कार्यक्रम में कम से कम दो तीन लोग बने रहे। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए जी सर। आगे अंजलि जी आपसे एक कविता जो है वो हम सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम अपनी बात जो है वो आगे चलाएंगे। जी स्वागत। मेरी ये जो कविता है जो कुछ वर्ष पहले गुड़िया कांड जो शिमला में हुआ था वो हम सभी जानते हैं, गुड़िया से संबंधित मेरी ये कविता है। बरसों से होता आ रहा है, परसों से होता आ रहा है हर युग में हैवान अपनी हैवानियत दिखाने से बाज नहीं आ रहा है, हर युग में हैवान अपनी हैवानियत दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। गुड़िया के साथ जो दर्दनाक घटना घटी उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हर रोज न जाने गुड़िया जैसी कितनी लड़कियां ऐसी घटनाओं का शिकार होती है। कुछ पदों पर बैठे सफेद पोश लोगों के लिए बलात्कार एक छोटा सा शब्द है। तभी तो कुछ लोग बलात्कारियों को बचाना चाहते हैं, पर कोई भी गुड़िया का दर्द नहीं जानना चाहता, दामिनी का बलात्कार हुआ। जब दामिनी का बलात्कार हुआ तब तब कहने लगे रात को गई थी छोटे कपड़े पहने, इसलिए उसका बलात्कार हुआ। एक सवाल है मेरा, गुड़िया तो उस दिन
बचपन से माँ बाप ने जिसे लाड प्यार किया, जिसके लिए सपनी संजोए, आज उसका उसका शव सामने है, आज उसका शव सामने है, क्या गुजरी होगी उस पिता पर, जिसकी बेटी, जिसने बेटी की डोली नहीं अर्थी उठाई। सब कहते हैं तू लड़की है, सब कहते हैं तू लड़की है, कुछ अपने हक में रहना है, धीमे बोलना है, दांत को घर से बाहर नहीं जाना है, पर क्या कभी किसी ने अपने लड़के से ये सब कहा? नहीं ना, अगर कहा होता तो ये बरसों का शोषण बरसों से ना हो रहा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंजलि जी। तो इस तरीके से हम अपनी बात को आगे रखते चलते हैं कि युवाओं, हमारी साहित्यिक संवाद जो है वो इस समय युवाओं के साथ चल रहा है, तो युवाओं की जो समस्याएं हैं हम उन्हीं के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। तो शिवाजी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि सोशल मीडिया युवाओं के लिए जो है वो कैसी स्थिति जो है वो रख रहा है, वो उनके लिए उपयोगी है या फिर अनुपयोगी है? आपको फायदा लगता है उसका या नुकसान लगता है सोशल मीडिया का? जी, जैसे कि कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसका नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। अब देखिए, अगर हम फायदे की बात करें तो आप देखिए, आज हम यहाँ पर अकादमी के पेज से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। शायद अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, इस प्रकार लाइव कार्यक्रम नहीं चल रहा होता, तो हम शायद ही कभी ऐसे शिमला जाकर मिलते या बातचीत करते, लेकिन अब इस कारण आज हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता और उसके अलावा वैसे बैठकर हम इस पर चर्चा कर रहे होते, तो बहुत सारे वरिष्ठ कवि जो हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़े हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, तो शायद हमारी एक रचना के बाद हम उनको सुनने के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी सीखने की होती। और कि अभी हम वो कहते हैं कि जो कली जैसे हैं कि अभी हमें फूल बनने में बहुत समय लगेगा, अभी तो हम सिर्फ बीज की थोड़े निकले हैं, तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें जो हमें अभी चाहिए, जो हमें सीखनी है, जो हमें अभी सुधार की आवश्यकता है, तो वो हमें सामने बैठे जो लोग होते हैं उनसे वो चीजें सीखने को मिल जाती हैं। तो मैं कहूँगा कि दोनों पक्ष हैं, इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। खैर, फायदे को ले इस समय फायदा देख रहे हैं, लेकिन वहां पर होते मुझे लगता है कि साथ में और ज्यादा फायदा होता। लेकिन इसके लिए जो ये कार्यक्रम अकादमी द्वारा चलाया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे लोगों को मंच मिल रहा है जो आज तक मुझे लगता है कि सिर्फ अपने ही एक इसमें दायरे में सीमित थे। मुझे लगता है इसके लिए सभी सदस्यों को, अकादमी के सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा। जो बंद कमरे की गोष्ठियां थी, मेरे ख्याल से वो लॉकडाउन में जो है वो सब की सब जो है वो बाहर आ गई हैं। इसके लिए जो है वो मैं अपने शब्दों को जो है वो रोकना नहीं चाहूंगी, अपनी बात को खुलकर कहना चाहूंगी कि मुझे इस चीज की सच में बेहद खुशी होती है कि जब भी ये कार्यक्रम अगर 100 से 1000 या 1500 या 2000 या 3000 तक रोज का आंकड़ा जा रहा है, तो वो मुझे जो है वो लगता है कि वो बेहद खुशी की बात है। तो यही उस कार्यक्रम की हम सफलता कह सकते हैं, जो ये कार्यक्रम जो है वो बुलंदियों तक धीरे धीरे जो है वो चढ़ता जा रहा है। और ये कार्यक्रम मेरे हिसाब से जो है, अकादमी सचिव जी हमारे साथ जुड़े हैं, कि ये कार्यक्रम जो है वो मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद भी जो है वो, अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है, तो ये कार्यक्रम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। ये हम सभी का अनुरोध रहेगा कि कम से कम हम सारे हिमाचल को यहाँ पर इस पेज के ऊपर सभी साहित्यकारों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे साक्षात यानी बात जो है वो चाहे हम ना करें, कमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं, परंतु हमें अच्छा लगता है। तो हमें कितने, हमारे अगर दो युवा साहित्यकार हैं, दो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अगर 50-50 करके चलते हैं, तो दोनों को हम सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। आज हमारे से गलती हो गई है कि आज हमें, जैसे सर कह रहे हैं, सचिव सर कह रहे हैं कि आप 4 का एक पैनल होना चाहिए, तो अगली बार से अगर होगा तो हम जरूर वहां पर अपने एक सीनियर जो भी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार होंगे, हम उनको जरूर बुलाना चाहेंगे और उनको सुनना भी चाहेंगे। इसके साथ साथ अंजलि जी, आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि हिंदी के साथ साथ हिमाचली भाषा के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या तुसा जो पाड़ी सुनना गलाना खरी लगती है बच्चियां जो कि नहीं?
जी बिल्कुल, मिंजू पहाड़िया च गलाना भी खरा लगदा कने हां हाँ तेरे जो गलांदी से पहाड़िया च गलांदी। मैं बिलासपुर हाँ से हूँ तो हमारे यहाँ पे जो है वो भी बोली जाती है असा पहाड़ी च गल हमारे करनी घरे हूँ 10 मिनट हमारे घरे के लुड़ी ही बोली जावा ही कने मैं हाँ एक गांव च रहवा ही तो गांव वाले लोग भी हाँ पहाड़ी बोलते ता मैं तिना ने गलांदी तक नहीं नहीं गलांदी जल्द जल तुहां अपने रिसर्च कार्य वास्ते अपने यूनिवर्सिटी जांदी या अपनी सहेलियां करने गल गप मार दियां तो तुसा तल्लु क्या कर दे अंग्रेजी च गप्पा मार दियां या हिंदी च मार दियां कि पहाड़ी च मार दियां ए होना सा औपचारिक है नहीं इस वेले असा ही गल करा कर दे कि सांझो पता जी लगना चाहिए कि बाहर जाई ने तुसा कुछ तरीके ने एक असा एक आवरण दे ओढ़ी लैंदे ना हाँ जी मुखौटा दे पाई लैंदे कि बिल्कुल नहीं जी असा तां भाई अंग्रेज है नहीं या बड़ी असा हिंदी दे समर्थक है कहते पहाड़ी असा बोलनी नहीं है सांझो शर्म होवा करदी है तो दे आता नहीं है कुछ कॉलेज च ऐसा गल कर कुछ दे तो सा यूनिवर्सिटी च गल कर दे पहाड़ी च एड़ा कुछ नहीं है जी। अगर हाँ कोई मेरे पहाड़िया च एग्जैक्टली गिला तो मैं किसने पहाड़िया च गिलाई, अगर कोई इंडिया च गिला तो मैं किसने इंडिया च गिलाई। ये तो हाँ बिल्कुल ठीक बोला कि कर कोई दे शर्म जिया वाली गल कि पहाड़िया च गिलाना मुझे शर्म लगती, एड़ा कुछ नहीं है। जी डॉक्टर होंगे ना डॉक्टर जितने मर्जी पढ़ी लिखी जान ना कने अस्पताल जल कोई अम्मा तीना वाल होंगी ना हाल पूछने वास्ते या अपनी बमाई दसने वास्ते तो तेरी डॉक्टर पहाड़ी एक ही गल पूछते लगती और अम्मा ठीक है ना तुसा तो अम्मा है जड़ी है तो जी अद्धी हुई ही ठीक हो जाती कि इन्नी मेरे कन्ने पहाड़ी च गल की है तो सही गल जड़ी है से सांझो भी जड़ी है से अपनी आम बोलचाल बोली च लियोना चाहिए बचपन की भाषा सुनी रही बोली सुनी रही अगर रहे तिहा च गलाए तो हाड़ा लगा पी जी अपनापन लगा जे अंग्रेजी हाँ करे हिंदी जितनी मर्जी बोली लिए पर ता भी यहाँ थोड़ा लगा पी जी अपनापन नहीं करने। जे मैं अपनी जी गल करा तो मैं घर आती बार बहुत साल रही घर जे फोन करना था एड़ा कुछ नहीं है कि मैं पहाड़ी बोली मैं हिंदी बोली मैं पहाड़ी च ही गल कर घर वाले ने। बहुत ठीक बोला कर दे अंजलि जी तुसा कहीं शिवा जी तुसा क्या तुसा कोई पहाड़ी च अपनी कोई कविता वगैरह लिखी है जी या तुसा हिंदी च लिखा कर दे अन्न जी कार्यक्रम तो दिखे ही है वो भी आए थे कि मैं पहाड़िया ची ज्यादा तो थी गलबात करता है कहने जी है कि मैं एक गल गलांदा है नहीं कि वो हिंदी मेरी उस नानी वास्ते है खुशी है। हाँ हाँ जी मेरी नानी कहना पहाड़ी मेरी माँ है बस ये है कि इंडिया है जेडी मेरी नानी है तो मैं इस च बहुत बड़ा वाली बढ़िया जाली मम्मीये ते जाली डंडे पौंदे तो मैं मम्मीये दी यही हबारा च भी लिखता है तो अच्छा जी करी ठीक बहुत अगर बढ़िया आगे ये चीज गीत मैं लिखे मैं थोड़े समक्ष हाँ प्रस्तुत जी करता हूँ सामने आई हाँ जी ने स्वागत है। जी तो साढ़े वाल गीत है टाइम जड़ा है सैवी 8 मिनट रही है तो कने कने साड़ी जी नजर घड़िया बिल्कुल ऊपर भी है तो हाथ जी जी से सांझो बिल्कुल एक हिमाचली दी ऐसा कविता सुननी है कने उसके बाद अंजलि जी ते सुननी है। जी तो गीत ये की है कि माए नी माए नी माए नी देश विदेशा घूमया लगदा ना जी माए लगदा ना जी मेरा शहर का गेड़ा जेडे लोग इतनी बाहर रहते हैं थोड़े दिन की स्पेशली में लिखा था कि कुतुब मेरा शहर का गेड़ा चीला दे दारू कन्ने चले दी हवा चीला दे दारू कन्ने चले दी हवा कुतुब मेरा शहर का गेड़ा मेरा शरीर कांगड़ा माए नी अपने आदेशां दा वो लगे नजारा पानी है चले दा देखो चेया पहाड़ा पानी है चलेगा देखो चेया पहाड़ा माए नी माए नी
धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। अंजलि जी, आपसे जाते जाते मैं एक सवाल अंतिम करना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपने सचिव महोदय जी, आज हमारे समाज साक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, फिर उसके बाद मंच में उनको दे रही हूँ, ताकि वे भी अपनी बात जो है वो हमारे साथ साझी करें और श्रोताओं को भी जो है वो अकादमी की जो आगे की परिचर्चा है या बात है उसको वो संबोधित करें। तो अंजलि जी, अंतिम प्रश्न है, अपने युवा साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगी कि लिखिए और बहुत लिखिए, ताकि और पढ़िए, सबसे ज़्यादा तो पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं, और जितना हो सके लिखिए। और इस तरह जैसे अकादमी जो मंच हमें जो लॉकडाउन में मिल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मंच जो लाइव फेसबुक के माध्यम से हैं, तो आप सभी का उन मंच पर स्वागत है, आप लिखिए और अपने जी। इसके साथ साथ आपका शिवाजी और अंजलि जी, आपका धन्यवाद है, परंतु आप यहीं रहेंगे अभी तक, जब तक हम डॉक्टर करण सिंह सर की बात नहीं सुनेंगे। सर, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम तीनों की तरफ से कि आपने हमें यह अवसर जो है वो दिया है। तो आगे मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगी इस पृष्ठ पर कि आप भी अपनी बात जो है वो श्रोताओं के साथ साझी करें, आदरणीय करण सिंह जी। और डॉक्टर और शिवा पंचकरण जी, और कार्यक्रम में जो सब लोग आप जुड़े हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन मैं उससे पहले सुन आपको रहा था, और बहुत अच्छी चर्चा आज अदिति ने की है। तो हृदेश जी ने मुझे बताया कि अदिति जी चाह रही हैं कि ये कार्यक्रम वे चलाना चाहती हैं, और उन्होंने आज किया भी। हालांकि आज अदिति की शुरुआत है और शुरुआत बहुत अच्छी रही है, धन्यवाद सर, के लिए है, इनके पास सुनाने के लिए है, वो बहुत कुछ है, और उससे कार्यक्रम बहुत आगे जा सकता है। हालांकि थोड़ी देर पहले देख रहा था उत्तम सूर्यवंशी जी, वीरेंद्र वीर जी, आशुतोष फुलेरी, कौमिला ठाकुर, शक्ति चंद्र राणा जी, प्रतिभा शर्मा, गंगाराम राज जी, दीनाक्षी, और एक नए सज्जन आज शायद हमसे जुड़े हैं, मैं उनको जानता नहीं, मोहम्मद अब्दुल मोहम्मद, वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। ये कार्यक्रम कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, ये सब तो आप लोगों को खुद निश्चित करना है, इसको आप कब तक चलाना चाहते हैं। और ये लॉकडाउन में जरूर शुरू हुआ है, लेकिन इसकी रूपरेखा धीरे धीरे बदल रही है, इसको विस्तार मिल रहा है, और उसमें सब आप लोगों का सहयोग तो है ही, तो आप लोग बने रहेंगे, बनाए रखेंगे, तो ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। कह रहा हूँ कि हमने हितेंद्र जी से ये कहा था कि अगर वो 4 बजे का डेली का कार्यक्रम, क्योंकि लाइव कार्यक्रम है, तो उनको इस कार्यक्रम तो अगर वो उसके लिए समय दे सकते हैं और व्यवस्था हो सकती है, तो जो हमारे कल्पना गांगटा जी हैं, अदिति जी हैं, उमा ठाकुर जी हैं, और जो बहुत सारे लोग रेडियो से जुड़े हैं, वार्तालाप से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, तो वो लोग इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम पहले करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो एक अगर इस तरह की टीम हमारी बन जाती है, तो हर रोज एक नया विषय हो और विषय पहले से निर्धारित हो जाए, और जो उसको कोऑर्डिनेट करने वाला है, जो उसका संयोजक है, वो जिस विषय को निर्धारित करता है कि ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, मुझे इस विषय पे बात करनी है, तो उस विषय के साथ साथ के कुछ और लोगों को, 3-4 लोगों को उसके साथ जोड़ लिया जाए, वो अलग अलग जिलों के हों, थोड़ा अलग अलग परिवेश के हों, और जैसा पहाड़ी में भी बात करना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे को भाषा के माध्यम से, विषय के माध्यम से समझने का, उनके नजदीक जाने का, और अपने विचारों को उनके साथ साझा करने का एक सफल प्रयास हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा इस बारे में जरूर विचार करें, और क्योंकि अभी ये कार्यक्रम निर्धारित नहीं है, लेकिन इसको हम निर्धारित करने के पीछे बड़ी गंभीरता से सोच रहे हैं,
जैसे हम 7 बजे का कार्यक्रम एक सप्ताह भर पहले और अब तो हम ये कह रहे हैं कि हम लगभग आने वाले दिसंबर तक के लिए हम कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं कि 31 दिसंबर तक हमको ये कार्यक्रम चलाना है। लॉकडाउन रहे चाहे ना रहे, जो भी स्थिति होंगी जैसी भी होंगी ये कार्यक्रम चलता रहेगा, 7 बजे का चलता रहेगा। लेकिन सुबह का जो मंच है पहले निर्धारित कर दें, विषय का निर्धारण पहले हो जाए, प्रतिभागियों का निर्धारण पहले हो जाए, तो वो थोड़ा पूरी तैयारी से भी आएंगे और जो कोऑर्डिनेटर है, जो उस विषय को कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो उसका संचालन कर रहा है, वो पहले ही लोगों को ये कह दे कि आपको इतना समय हम देने वाले हैं, आपको 5 मिनट मिलेंगे, आपको 10 मिनट मिलेंगे और उसमें आपने अपनी रचना भी सुनानी है और जो निर्धारित विषय है उस पर आपको बात भी करनी है। तो मेरे ख्याल में अलग अलग पॉकेट्स में, आज आप कांगड़ा के लोग हैं तो कांगड़ा के कल्चर पे कोई बात हो सकती है, वहाँ की भाषा पे, वहाँ के रीति रिवाजों पे, वहाँ कुछ और बात हो सकती है, या एक आदमी दूसरे परिवेश का है, मंडी जिला का है, शिमला का है, सिरमौर का है, तो वो कुछ वहाँ की बात भी आपके साथ करे और आपके साथ अपनी चर्चा भी करे, अपनी रचनाएं भी सुनाए। तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने अभी तक 12 जिले नहीं घूमे हैं, बहुत कम हम अपने जिले से बाहर जा पाए हैं या गए हैं तो बहुत सीमित जगह तक हम लोग गए हैं। तो जब हम दूसरे जगह के किसी आदमी को सुनेंगे तो वहाँ के संस्कृति के बारे में, वहाँ के जनजीवन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सुन पाएंगे। और ये कार्यक्रम युवाओं के लिए रह सकता है, इस कार्यक्रम में सीनियर लोग भी कोई एक आ सकते हैं। और मैं तो ये चाह रहा हूँ अदिति जी, आप अगले करें और वो हिसाब से प्लान करें कि उसमें कोई आपके पास कलाकार भी हो, वो आपको गीत सुनाए, कोई जी सर सुनाए, कोई और बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, अध्यापक हो, तो वो अपने आपका पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ आदमी है, कोरोना काल में उस तरह की बातें भी है ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको एक आध घंटे के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ दे पाए। एक ही विषय चलता है लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम हो सकता है जिसमें आप थोड़े से समय में बहुत सारे विषयों को साथ में लेके चल सकते हैं। एक आदमी एक विषय कहेगा, आदमी दूसरा विषय कहेगा, तो जो एक घंटे में हमने बात करनी थी हो सकता है आपको वो बहुत थोड़े में कह सकते हैं। एक चीज में आप लोग को जरूर कहना चाहूंगा, बहुत पहले आप लोग तो अध्यापन से जुड़े हुए हैं, पीछे प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम चलाया था यूथ पार्लियामेंट और उसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोगों ने कंपटीशन में राष्ट्रीय स्तर पे भाग लिया और वो ब्लॉक लेवल पे हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, उसके बाद स्टेट लेवल पे हुआ। तो मुझे उस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में जजमेंट में जाने का मौका मिला। तो मेरे मन में था 3 मिनट का क्या समय है, ये तो कार्यक्रम का मजाक है, 3 मिनट में कोई अपनी बात भला कैसे कह सकता है। लेकिन जब हमने उसको सुना और उनके विचार सुने, उनके भाषण सुने, तो 3 मिनट में उन्होंने पूरा का पूरा विषय खोल के रख दिया। और जो कुछ एक विषय के बारे में कहा जाता है, चाहे वो पर्यावरण है, चाहे वो डिजिटल इंडिया है, चाहे वो स्टार्टअप है, या चाहे कोई कल्चर का विषय है, कोई भी विषय आप 4, 5, 10 मिनट में बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब आप तैयारी करके आएंगे तो उस तरह से बातचीत होती रहेगी। और एक चीज मुझे लग रही है, अभी भी बहुत सारी चीजें आप राजीव जी किसी को अपना फोन नंबर दे रहे हैं, एक जो नवोदित कोई है, जो कोई युवा है, वो अपने वरिष्ठ के साथ इंटरेक्शन करना चाह रहा है, वो उससे बात करना चाह रहा है कि आपका ये कार्यक्रम आया है तो वो और जानकारी चाहता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आप इसमें साझा कर सकते हैं कि आप किस प्रोफेशन के साथ हैं, आपका विषय क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन कैसा है। अब अदिति की हम बात करेंगे तो ये बाल साहित्य में बहुत अच्छी बात कर सकती है, तो वो हमारा एक स्पेशलाइजेशन है। लेकिन उसके अलावा हम कविता सुना सकते हैं, हम कहानी सुना सकते हैं, किसी विषय पे हम बात कर सकते हैं। तो आने वाले समय जो थोड़े कोऑर्डिनेटर हैं या जो लोग आने वाले हैं, तो हमारा ये नहीं है, हम किसी बंधन में नहीं है कि ये आएगा ये नहीं आएगा, ये सबके लिए खुला है। आप एक खुली सोच के साथ आइए और सीधा मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, आप अदिति को कह दीजिए, आप गुलेरी जी को कह दीजिए, आप गौतम विद्या को कह दीजिए, या जो भी आपकी जान पहचान में है कि भाई हम इस विषय पे कार्यक्रम करना चाहते हैं, कला पे, साहित्य पे, संस्कृति पे, भाषा पे, जो भी आप, आपने पहाड़ी की बहुत अच्छी बात करी है, पहाड़ी में करिए, आप एक पहाड़ी में ही करिए,
पहाड़ी में ही बोलिए, पहाड़ी की ही कविता सुनाइए, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसे लोगों को चुने जिनके पास उस तरह का मसौदा हो और वो पहले से ही तैयार हो कि हाँ हमें इस बात विषय पर बात कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग से कर सकते हैं। और जब इस तरह के सुझाव आ रहे हैं, आप लोगों की बातें आती हैं, कई बार कोई बहुत छोटे से छोटा आदमी भी बहुत बड़ी बात कह देता है, तो उन सुझावों को लेकर के आपस में सलाह मशवरा हम लोग करते हैं और जो कंसर्न लोग हैं उनके साथ हमारा विचार विमर्श होता है, तो हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए कि इस तरह से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं और आप सब लोगों का सहयोग है तो 4 बजे हम लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शाम को 7 बजे ही जुड़ जाते हैं, ऐसा ही अब कुछ भाव 4 बजे भी बनने लगा है, तो 4 बजे भी लोग नहीं हमें 4 बजे इस पेज पे आना है और कुछ ना कुछ बात करनी है करनी है। सरोज परमार जी कार्यक्रम को आप अलग अलग रूप दे सकते हैं, विषय ले लें कि किसी महिला को आप बुलाना चाहते हैं, कोई सीनियर को रख लीजिए, कोई जूनियर को रख लीजिए, कोई नवोदित को रख लीजिए, कोई कलाकार किसी को रख लीजिए, तो अलग अलग, लेकिन थोड़ा सा 4 लोग हम रखेंगे तो उसमें ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम नहीं रहती है, ऑडियो वीडियो अच्छा रहता है। और जिस सिस्टम से हम कर रहे हैं, जो हमारा ये ऐप जिस पे हम कर रहे हैं, तो उसमें साउंड सिस्टम और पिक्चर में कोई समस्या नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों ने आज का ये कार्यक्रम किया, एक विषय से हिंदी में भी बात करी, पहाड़ी में भी बात करी, कल में एक अच्छा मंच बन सकता है कि जो नए लोग लिख रहे हैं वो सुनाएं, बार बार सुनाएं और उसका संपादन हो, क्या उसमें बदला जा सकता है, क्या नया जोड़ा जा सकता है, कैसे वो रचना आपकी बहुत अच्छी बन सकती है, तो उसके लिए खुले मन से थोड़ा सा रहना चाहिए और हम थोड़ा सा समीक्षा के लिए, आलोचना के लिए भी, अच्छे सुझावों के लिए भी तैयार हूँ। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए डॉक्टर आदित्य जी को और अंजलि जी को और जो दूसरे हमारे पंचकरण जी हैं आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अदिति जी से कहना चाहूंगा कि अब और बढ़िया नए कार्यक्रम के साथ आप कार्यक्रम में जुड़े हैं और आगे बढ़ता रहे, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी कामना है और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग इसके साथ पूरी तरह से जुड़ेंगे। अदिति जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को समाप्त करें। डॉक्टर अदिति गुलेरी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ सभी गणमान्य अतिथियों का भी और जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने अपना अनमोल समय जो है वो आज हमें दिया है। इसी के साथ हमें सभी को इजाजत दें, सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार।